नमस्ते सत श्री अकाल सलाम एंड हेलो टू माय ब्यूटीफुल पीपल आउट देयर। मैं श्री आप सबकी श्री आज फिर से एक नया रीडिंग के साथ आप सबके सामने हाजिर हूँ। टैरो श्री ट्रिपल वन में आप सबका तहे दिल से स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब मजे में होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे और पॉजिटिविटी ही स्प्रेड कर रहे होंगे। सो गाइज, इस सेशन में हम देखेंगे आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, क्या है अंदर छुपा रखा है उन्होंने जो नहीं बता रहे हैं, हम ये चेक करेंगे। सो ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी रीडिंग आपके सामने पॉपअप होए उस टाइम के लिए ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर सकती है, चाहे रीडिंग आपके सामने कभी भी आए। जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है, आप किसी भी जेंडर के आप देख सकते हैं और किसी भी जेंडर के लिए देख सकते हैं। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है, बस आपको इतना ही दिमाग में रखना है सब कुछ आपके साथ मैच करिए, ज़रूरी नहीं है जो चीज़ें मैच करती हैं उसे एज गाइडेंस देखें, गाइडेंस को फॉलो करें ताकि इस रीडिंग की पॉजिटिव आउटकम को आप रिसीव कर पाओ। सो पर्सनल रीडिंग के लिए बहुत लोग पूछ रहे थे, पर्सनल रीडिंग के लिए मैं अपना नंबर नहीं देती हूँ, आप मेल कीजिए मुझे, आपको स्क्रीन पे मेरा मेल आईडी दिख रहा होगा, मेल कीजिए फिर मैं प्रोसेस बताऊँगी आपको आगे का। इंस्टाग्राम में लाइव आने की बात थी आज संडे के दिन, जो कि मैं क्योंकि आप लोगों को मैंने पहले से नहीं बताया था इसलिए मैं आज नहीं आऊँगी, कल आऊँगी मंडे 11th मार्च, ठीक है 11th मार्च रात 10 बजे। सो आप लोग वीडियो देखने के बाद मुझे वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं इंस्टाग्राम लाइव में, जहाँ मैं आप लोगों के क्वेश्चंस के कुछ आंसर्स दूंगी, काउंसलिंग सेशन आप कह सकते हैं इसे, टैरो कार्ड रीडिंग वहाँ नहीं होगी लेकिन ये सब क्वेश्चन का आंसर मैं ज़रूर करने की कोशिश करूँगी वहाँ। सो इंस्टाग्राम में 11 मार्च रात 10 बजे मैं लाइव जा रही हूँ और आप लोग वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं मुझे मैक्सिमम नंबर में और अपने क्वेश्चंस को वहाँ पर आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। डिवाइन प्लीज गाइड मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं। डिवाइन क्या हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की डीपेस्ट फीलिंग्स, करंट फीलिंग प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, करंट डीपेस्ट फीलिंग्स क्या हैं डिवाइन मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स की, आज की करंट डीपेस्ट फीलिंग्स प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी प्लीज, वन मोर टाइम प्लीज। Addicted. Release your past. Go outside. Self-love. Gender role. And get to know each other. Reaching out की energy है bottom of the deck. ठीक है? चलिए clarify करें इसको. Cards दिख रहे हैं? Divine, please guide. यहाँ एडिक्टेड की एनर्जी क्यों है डिवाइन? ये इंसान ना मुझे लग रहा है कि या तो आज या फिर इन दिनों बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से एडिक्टेड है, या तो आपसे या फिर आपसे दूर हैं इसलिए थोड़ा सा नहीं आपको अपने माइंड से निकालने के लिए या फिर थोड़ा रिलैक्स होने के लिए, या तो ये इंसान ड्रिंक करना ऐसा कुछ कर रहे हैं या फिर कहीं अपने आप को इन्वॉल्व कर रहे हैं लाइक कोई मोबाइल गेम खेलना ऐसा कुछ जहाँ पे ज़्यादा टाइम इनका उसमें जा रहा है, ठीक है। वन मोर टाइम प्लीज। और इनको पता है कि ये एडिक्टेड हो रहे हैं लेकिन फिर भी ये कर रहे हैं कुछ, ठीक है। देखिए इनको इनकी ओवरऑल जो सिचुएशन है ना लाइफ की, ये इंसान का ज़्यादा टाइम जो है ये यही सोच के जा रहा है कि आपके साथ इनको कनेक्ट करना है, इमोशनली रीयूनियन करना है, सेलिब्रेशन चाहिए ऐसा सब, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इंसान आपसे एडिक्टेड हैं और क्योंकि लाइफ सिचुएशन में एडिक्शन है इसलिए जब तक आपके साथ रीयूनियन नहीं कर रहे हैं इंसान, जब तक आपसे कनेक्ट नहीं हो रहे हैं तो ये सेपरेशन में अपने आप को कहीं और इन्वॉल्व करने के लिए या फिर अपने दिमाग से आपको ज़्यादा या फिर अपने दिमाग से आपको निकालने के लिए ये इंसान जो है ना कोई ड्रिंक करना या फिर वीडियो गेम खेलना या फिर कुछ ऐसा जहाँ पे अपनी एनर्जी को ज़्यादा इन्वॉल्व करें और बहुत ज़्यादा ये परेशान ना हो आपको सोच सोच के, ऐसी एनर्जी दिख रही है क्योंकि लाइफ सिचुएशन में एडिक्शन है। सो डेफिनेटली ये इंसान आपके साथ एक यू नो ख़त्म करना चाहते हैं ये सेपरेशन को और चाहते हैं एक न्यू बिगनिंग, सेलिब्रेशन, सक्सेस, मिलना, मैरिज, एंगेजमेंट, कमिटमेंट सब कुछ चाहते हैं ये इंसान, न्यू बिगनिंग चाहते हैं लेकिन इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप दोनों के बीच अंडरस्टैंडिंग नहीं है, ठीक है। सो इनको ऐसा लग रहा है कि कनेक्ट होने के बाद भी आपके साथ इनकी कॉन्फ्लिक्ट्स वैसे ही रहेंगी, मतलब आप दोनों एक दूसरे को नहीं समझोगे, रिस्पेक्ट नहीं करोगे एक दूसरे की और फिर से वही आर्ग्यूमेंट, डाउट की एनर्जी। सो जो
पास्ट का जो भी चीज़ हुआ था ना आप दोनों के बीच में, वो बार बार या तो रिपीट हो रही हैं, इसलिए इनको लग रहा है कि फिर से रिपीट होंगी, या इनको लग रहा है कि ये चीज़ें बार मतलब आगे भी रिपीट होंगी जो अभी हुआ है, ठीक है। सो इसलिए ये इंसान जो है ज़्यादातर टाइम ये ज़रूर सोच रहे हैं कि आपसे कनेक्ट करना है, मिलना है, बात करना है, लेकिन फिर होगा क्या, होगा वही लड़ाई झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्गुमेंट, मिसअंडरस्टैंडिंग्स, ठीक है। सो इसलिए एडिक्शन मतलब इसको थोड़ा सा दिमाग से हटाने के लिए, मतलब होता है जैसे कि हमें लगता है कि ये काम हमें करना है और अभी हमें लगता है कि नहीं अभी ये काम के लिए टाइम है, तो हम थोड़ा टाइम लें, लेकिन जो टाइम हम ले रहे हैं उसके बीच जो हम परेशान हो रहे हैं, हम परेशान नहीं होने के लिए मोबाइल देखना या फिर यू नो कुछ कोई गेम खेलना जहाँ कि पूरा दिमाग लग जाए और दिमाग कहीं और ना जाए, तो ऐसा कुछ ये कर रहे हैं जिसमें कि ये इंसान ज़्यादातर अपना टाइम वहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि आपकी एनर्जी से वो थोड़ा डिटैच हो पाए, ठीक है। एक न्यू बिगिनिंग इनको चाहिए ज़रूर, लेकिन ये इंसान बहुत डिसअपॉइंटेड है। मे बी पास्ट में कुछ ऐसा हुआ है आप दोनों के बीच में जिससे कि डिसअपॉइंट हो रहे हैं, मतलब होगा क्या, यू नो होना वही है फिर, मतलब रियूनियन के बाद भी, दो दिन के बाद, तीन दिन के बाद फिर वही होना है। सो इसलिए ये इंसान परेशान है, ठीक है। रिलीज़ योर पास्ट, इनको ऐसा लग रहा ना, मतलब फीलिंग्स इनकी ऐसी है कि जब तक पास्ट रिलीज़ नहीं होगा, मतलब जब तक आप दोनों एक दूसरे को माफ़ नहीं करोगे तब तक शायद कनेक्ट करना सही नहीं होगा, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ बैलेंस की एनर्जी है, ठीक है। रिलीज़ योर पास्ट की एनर्जी फीलिंग्स में है इनकी। ये इंसान मे भी आपको भूलने की कोशिश बहुत की होगी इन्होंने, लेकिन ये इफ़ ये सक्सेस नहीं हो पाए हैं। एक्चुअली ये इंसान आपके लिए पॉजिटिव हैं, तो अभी ये ऐसा देख रहे होंगे कि आप किसी और के साथ हैं या फिर आप खुश हैं, क्योंकि यहाँ पे एक बैलेंस की एनर्जी है। सो इनको ऐसा लग रहा है आप बहुत बैलेंस है, आपकी एनर्जी पहले वाली एनर्जी आपकी नहीं है जब आप इनके पीछे भाग रहे थे या इनको स्टॉक कर रहे थे या फिर इनको चाहते थे अपने लाइफ में, आप किसी भी तरह से आप इनको अपने लाइफ में चाहते थे, भले इनका बिहेवियर जैसा भी हो आप एडजस्ट करने के लिए तैयार थे। सो इनको ऐसा लग रहा है ना कि थोड़ा सा पास्ट को आप लोग रिलीज़ करेंगे या फिर भूल जाएंगे, तो समय के साथ होता है ना, हम कहते हैं कि समय जो है सब कुछ हील करता है, टाइम हील करता है सब कुछ। सो जानबूझ के मुझे लग रहा है कि इंसान समय ले रहे हैं ताकि पास्ट जो है वो भूले, आप और वो जो भी हुई थे कॉन्फ्लिक्ट्स आपके बीच में थोड़ा सा वो दिमाग से निकल जाए, तब अगर आप दोनों कनेक्ट करोगे तो आप दोनों एक दूसरे को अपनी लाइफ में चाहोगे रखना, यू नो बैलेंस करोगे, मतलब कॉम्प्रोमाइज़ करोगे, एडजस्ट करोगे इस रिश्ते में जो ज़रूरी है, जो अगर कोई एक बिजी है तो एक अंडरस्टैंड करे, यू नो, और फिर एक अगर कमिटमेंट नहीं दे रहा तो क्यों नहीं दे रहा उसको समझे, अगर फैमिली नहीं एग्री कर रही है तो उनको कैसे मनाएं। सो एडजस्टमेंट और कॉम्प्रोमाइज़ जो हैं वो आप दोनों कर सके, जब पास्ट रिलीज़ हो जाएगी, जब पास्ट का घाव जो है वो भर जाएगा, तब आगे इनको लग रहा है कि सही होंगी चीज़ें, और उस टाइम आप दोनों एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी होंगे, इस रिश्ते की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी होंगे। सो कहीं ना कहीं इनको ऐसा लग रहा है कि जानबूझ के टाइम ले ताकि समय हील कर दे वो चीज़ों को जो भी पास्ट में हुई थी, और उसके बाद ये जब कनेक्ट करेंगे आपसे तो शायद चीज़ें सही होंगी, आप दोनों एक दूसरे की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए रेडी होंगी और इक्वल गिव एंड टेक होगा, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। गो आउटसाइड की एनर्जी इंटेंशन में है, ये इंसान थोड़ा सा इस एनर्जी से निकलना चाहते हैं कुछ लोगों के लिए, और कुछ लोगों के लिए ये इंसान चाहते हैं कि आप जो जिस एनर्जी में है ना उस एनर्जी से निकले। बहुत सारे कार्ड्स गिर गए, इतने हम नहीं लेंगे, ओके। आप जिस एनर्जी में हो, मतलब अगर आप पास्ट में हो तो आप निकले उस एनर्जी से, ठीक है, ये चाहते हैं। पास्ट रिलीज़ करेंगे तब जाके चीज़ें, पास्ट आप लोग रिलीज़ करोगे तब जाके चीज़ें स्मूथ होंगी आप दोनों के बीच में, इनको ऐसा लग रहा है। हमारी एक मिनट है, कार्ड गिर गया। सो यस, इनको ऐसा लग रहा है ना कि पास्ट से निकलना होगा, यू नो साइलेंट अगर आप हैं तो अपने आप को हील करें, यू नो सोचे समझे, इंट्रोस्पेक्ट करें कि कहाँ आपकी गलती थी, कहाँ उनकी गलती थी। कहीं ना कहीं मुझे कुछ लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि यहाँ कुछ मेरे व्यूवर्स ऐसे हैं जो जिनसे गलती हुई है, और कुछ जो हैं आपके पार्टनर से गलती हुई है, तो इनको ऐसा लग रहा है कि इंट्रोस्पेक्ट करें आप कहाँ गलती हुई थी, कहाँ क्या हुआ था। सो इंटेंशन में इनके ये है, मतलब ये इंसान भी इंट्रोस्पेक्ट कर रहे हैं कि कहाँ इनसे गलती हुई थी, क्या इन्होंने सही नहीं किया, क्या ये सही कर सकते थे, ऐसा बहुत कुछ ये साइलेंट में सोच रहे हैं, मतलब सफ़र भी करें, सफरिंग इन साइलेंस की एनर्जी यहाँ पर है, जहाँ पर ये इंसान अकेले चुप रह के अपने आप को ही सज़ा दे रहे हैं और एक समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कहाँ गलती हुई, मतलब कहाँ ऐसा क्या हुआ जो सक्सेस नहीं मिली इस रिश्ते में। सो ये स्ट्रैटेजिकली कुछ समझने की कोशिश कर रहे हैं, यू नो, मतलब ज़्यादा अपने दिमाग पे जोर लगा रहे हैं कि कहाँ गलती हुई, क्या ऐसा हुआ कि ठीक से एफर्ट्स नहीं ले पाएँ, या फिर आपको क्या चाहिए था, या कुछ समझ नहीं पाएँ जिसके चलते ये रिश्ता ख़राब हुआ। सो अब ये इंसान जो है ना
समझना चाहते हैं इस रिश्ते से बाहर निकल के, मे बी ये थोड़ा दूर में रह के यू नो किसी और को लेके जब हम सोचते हैं कि यू नो कहाँ गलती की, दोनों की गलती कहाँ थी, तो हम ज़्यादा समझ पाते हैं, मतलब हम किसी और का रिश्ता जब देख रहे होते हैं तो हम ज़्यादा समझ पाते हैं कि किसकी गलती थी और क्या हुआ। जब हम उस सिचुएशन में होते हैं तो हम नहीं समझ पाते। तो ये इंसान जो है ना अलग अलग तरीक़ों से कोशिश कर रहे हैं समझने की कि गलती कहाँ हुई और किससे गलती हुई, क्यों गलती हुई, ये सब इंट्रोस्पेक्ट करते दिख रहे हैं ये इंसान, और थोड़ा सा ट्रैवल करना चाहते हैं मे बी आपके टूवर्ड्स या फिर जिस सिचुएशन में है ये, वहाँ से थोड़ा सा निकल के बाहर रिलैक्स होना चाहते हैं। कुछ ऐसी एनर्जी है जहाँ ये इंसान सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। सो सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहे हैं, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि सेपरेशन अगर आप दोनों के बीच है तो ये इंसान सेपरेशन से निकलने का कुछ स्ट्रैटेजी प्लान कर रहे हैं, कुछ सोच रहे हैं कि कैसे सक्सेस मिलेगी और यू नो क्या नीडेड थी इस रिश्ते में, क्या ज़रूरी था जो उन्होंने नहीं प्रोवाइड किया, ये सब कुछ ये सोच रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके, आपको ये इंसान बहुत ज़्यादा सेल्फ़ लव करते दिख रहे हैं। सो ऐसा हो सकता है कि आप यू नो अपने स्टेटस पे बहुत सारे पिक्स डालते होंगे, पिक्चर्स डालते होंगे, इनको ऐसा लग रहा है कि आपका रिबर्थ हो गया, मतलब आपकी एनर्जी पूरी चेंज हो गई है, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है। इनको लग रहा है ना कि आपकी एनर्जी पूरी तरह चेंज हो गई है, आप जो पहले इंसान थे वो इंसान अब नहीं है, अब आपका रिबर्थ हुआ है, मतलब आप बहुत चेंज हो गए हैं इनके अकॉर्डिंग। इनको लग रहा है कि आप पहले वाले वो इंसान है ही नहीं, आप इतने चेंज हो गए। रिबर्थ का मतलब समझ रहे ना, मतलब पास्ट का जो सेल्फ हमारा होता है जो एक वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाना और एक नई एनर्जी का आना। सो या तो आपका लुक्स बहुत चेंज हुआ है या फिर आपने कुछ ना कुछ अपने अंदर चेंजेस किया है, जो कि ये देखे बहुत सरप्राइज हो रहे हैं। इनको लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा चेंज हो गए हो, सेल्फ लव कर रहे हो, अपने आप से प्यार कर रहे हो, जो इंपॉर्टेंस आप पहले खुद को नहीं देते थे वो ये इंसान आपको भी देते हुए दिख रहे हैं। सो आपने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ऊपर रखा है, आपने बहुत बोला भी होगा कई लोगों ने कि हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ, जो कि इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत चेंज हो गए, आप एक ड्रास्टिक चेंज ये इंसान देख रहे हैं। इनको लग रहा है बहुत ट्रांसफॉर्म हुए हैं पहले से, ठीक है। आप टायर्ड हो गए हैं, आपकी एनर्जी ये इंसान बहुत टायर्ड देख रहे हैं, इनको ऐसा लग रहा है कि आप एग्जॉस्ट हो गए हैं, अब आप अपने ऊपर ज़्यादा फोकस्ड हैं, इनके ऊपर आपका फोकस नहीं है या फिर इस रिश्ते पे आपका फोकस नहीं है, आप अब अपनी एनर्जी को इसमें इस इंसान के साथ में और इन्वेस्ट करने के लिए आप रेडी नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है। आपका ध्यान पूरी अपनी खुशियों पे है, इनको ऐसा लग रहा है, अपनी लाइफ पे, अपनी खुशियों पे, अपनी फैमिली पे, यू नो आपसे जो लोग जुड़े हुए हैं आपका ध्यान पूरी तरह से उन पे है, इन पे आपका ध्यान नहीं है, इनको ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जी देखकर, ठीक है। यहाँ जेंडर रोल की एनर्जी दिख रही है ऑब्स्टिकल में, ऐसा कुछ लोगों का सेम जेंडर हो सकता है रिलेशनशिप, और कुछ लोग जो है ना यहाँ पे मस्कुलाइन और फेमिनाइन एनर्जी को लेके कंफ्यूज्ड हैं, मतलब या तो ये इंसान बहुत ज़्यादा मस्कुलाइन एनर्जी में है जहाँ इनको बहुत ईगो, बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होंगे, बहुत ईगोइस्टिक होंगे, ऐसा कुछ है जहाँ पे इनको ये ऑब्स्टिकल लग रहा है, ठीक है। इनको लग रहा है कि इन्होंने इनके वो अहंकार के चलते ये रिश्ता जो है वो ख़त्म हुआ है, फिर ख़राब हुआ है, ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है। सो जगलिंग करते हुए दिख रहे हैं, मतलब अगर बहुत प्रैक्टिकल हैं तो थोड़ा सा इमोशनल होने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन करेंगे क्या, जो लोग जैसे होते हैं वैसे ही होते हैं ना, जो प्रैक्टिकल होते हैं वो प्रैक्टिकल ही होते हैं। एनर्जी कब चेंज होती है, जब आप अपने ऊपर काम करना शुरू करते हैं। सो ये इंसान ना अपने ऊपर काम कर रहे हैं, ना ये अपनी एनर्जी इसको सिर्फ सोच रहे हैं कि चेंज करना है, ये करना है, वो करना है, एक्शंस पे इनके वैसा कुछ नहीं है, ठीक है। सो ये चाहते हैं कि जो जगल ये कर रहे हैं या फिर जो उलझन में ये है कि किस तरह से ये सही करेंगे चीज़ें, कैसे आपके साथ कनेक्ट करेंगे, और फिर आप नहीं कनेक्ट करना चाहते हैं या फिर कनेक्ट करना चाहते हैं, जो कि इनको नहीं पता है। सो ये जगल कर रहे हैं आप कहाँ हैं या ना हैं, उस जगलिंग में ये इंसान जो है ना अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि इनका एक इगोइस्टिक बिहेवियर या फिर आप ऐसा कह सकते हैं कि मस्कुलाइन बिहेवियर जो कि इस रिश्ते में ऑब्स्टिकल हुआ, ठीक है। इन्होंने स्टेबिलिटी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इन्होंने आप पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, इन्होंने फाउंडेशन पे जो बेसिक नीड्स होते हैं एक रिश्ते की उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया, जिसके चलते चीज़ें ख़राब हुई। अब ये इंसान जो है ना ओवर थिंकिंग कर करके इनको अब बस हो गया है, मतलब एक नेगेटिव एनर्जी में रह रह के इनको अब घुटन होने लगी है, ऐसी एक एनर्जी है, ठीक है। सो ये इंसान चाहते हैं कि फिर से चीज़ें सही हो, फिर से चीज़ें चेंज हो। सो ये चेंज एक टाइम सही समय का इंतज़ार करते मुझे दिख रहे हैं, जो कि फिर भी इनको वो भी ऑब्स्टिकल लग रहा है। अगर ये सही समय का इंतज़ार कर भी रहे हैं तो इनको लग रहा है कि वो सही समय जिसका इंतज़ार ये कर रहे हैं वो सही समय आ नहीं रहा है, ये बस इंतज़ार ही करते जा रहे हैं, ठीक है। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये इंसान ऐसा देख रहे हैं कि समय इनके फेवर में नहीं आ रहा है, बहुत इंतज़ार करने के बावजूद भी। एक्शन में मुझे गेट टू नो ईच अदर की एनर्जी दिख रही है, ये इंसान आपको और समझना चाहते हैं, चाहते कि आप दोनों एक दूसरे को बहुत समझें, जानें, यू नो अब किस तरह से समझें और जानें, यू नो
हाँ देखिए, इनको ऐसा लग रहा है ना कि आप इनको जानते हो, है ना, मतलब आप बहुत सालों से इनके साथ रिश्ते में हो, या फिर बहुत महीने से हो, या फिर जब जो भी है, आप इनको जानते हो बहुत अच्छे से। इनको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान ऐसे ही हैं, ये इंसान अपने दिल की बात खुल के नहीं बोल सकते हैं, या फिर यू नो बहुत सारी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं करते हैं। लेकिन आप जो हैं, आप नर्चर करने वाले हैं, आपकी एनर्जी नर्चरिंग एनर्जी है। आप जिसके भी साथ रहते हैं, आप उनका भला चाहते हो, आप चाहते हैं कि वो इंसान ग्रो करे, है ना। सो ऐसी एनर्जी आपकी है जहाँ पर आप हमेशा इस रिश्ते में आपने ग्रोथ चाहा है, आपने चाहा है कि हमेशा आप इस रिश्ते को नर्चर करें, भले आपके पार्टनर जैसा भी बिहेव करते हैं, लेकिन आप हमेशा नर्चरिंग बिहेवियर में ही रहे। सो इनको ऐसा लग रहा है कि क्यों नहीं वो समय वापस से आ रहा है जब आप वही एनर्जी में थे, जब आप नर्चर करना चाहते थे। इनको लग रहा है अब आप नर्चर नहीं करना चाहते हो, इसलिए ये इंसान जो है ना वो दुखी है, डिसअपॉइंटेड है। ये आपकी एनर्जी को देख के एक्चुअली डिसअपॉइंटेड हो रहे हैं। देखिए, एक वो इंसान होता है जो कि सामने वाले इंसान को ग्रोथ ग्रो करता देखकर खुश होता है। ये वो इंसान है जो आपकी ग्रोथ को देखकर, आपकी ग्रोथ को देख के इनको खुशी नहीं हो रही है। इनको इसलिए खुशी नहीं हो रही क्योंकि आप इनके साथ नहीं हो, आप अकेले हो या फिर किसी और के साथ हो, इनके साथ नहीं हो, इसलिए इनको दुख लग रहा है। ये डिसअपॉइंटेड इसलिए हो रहे हैं कि आप बार बार इनको बनाने के लिए जो जाते थे, आप नहीं जा रहे हो। सो अभी आप नहीं जा रहे हो बोल के इंसान परेशान हो रहे हैं। सो ये वो इंसान नहीं है जो आपकी ग्रोथ को देख के खुश होंगे, या फिर किसी और के साथ आपको खुश देख के खुश होंगे। ये वो इंसान है जो आपको किसी और के साथ देख के दुखी होंगे, ठीक है। सो इसलिए ये जो है ना, इनको ऐसा लग रहा है कि ये शुरू से ही ऐसे रहे हैं, ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं, लेकिन आपकी एनर्जी ऐसे नहीं थी। सो वो समय वापस नहीं आ रहा है जब आप एक दूसरे को यू नो जानते थे, समझते थे, और आप जानते थे कि ये इंसान जो है वो नहीं बोलेंगे, या फिर माफ़ी नहीं मांगेंगे, या फिर स्टेप नहीं लेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं करेंगे। वो समय अलग था जब आप इनको पूरी तरह से जानते थे, और आप इनको जान के समझ के इस रिश्ते में आपके एफर्ट्स होते थे। अब नहीं है वो चीज़। ये चाहते हैं कि फिर से आप उस एनर्जी में आए जब आप इनको समझे, और इस रिश्ते में जैसे आपके एफर्ट्स होते थे वैसे ही हों। लेकिन मैं बता दूं कि एक रिश्ते में एफर्ट्स जो होते हैं ना, वो दोनों के एफर्ट्स होते हैं, एक के एफर्ट्स नहीं होते। अगर एक के एफर्ट्स होते रहेंगे तो वो आपको इंसान जो है ना फॉर ग्रांटेड ले लेंगे, उनको लगेगा ये तो है, ये तो हमेशा आएंगी, आएगा ही, है ना। सो आपको अपनी एनर्जी ऐसे नहीं बनानी है। प्यार अलग चीज़ है। अगर आप प्यार करते हैं अनकंडीशनली, तो आप दूर से प्यार कीजिए, है ना। उनको भी समझना चाहिए कि उनको भी इस एक्सप्रेस करना है, उनको भी एक्शन लेना है। आप मौका नहीं दोगे तो वे इंसान कभी नहीं लेंगे, जो आज तक आपने नहीं दिया मौका। सो इसलिए अब उनको हेजिटेट फील होता है, यू नो, जब आप मौका दे भी रहे हो, उनको हेजिटेट फील हो रहा है कि पहले कभी उन्होंने नहीं लिया एक्शन, हमेशा आप आते थे। सो आपने बहुत यूज टू कर दिया इस इंसान को कि ये इंसान जो है ना वेट करते रहें और आप जाएंगे। सो आपको ये नहीं करना है, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक रीचिंग आउट की एनर्जी है, और चैरियट की एनर्जी इसको क्लेरिफाई कर रही है। ये चाहते हैं कि आज के आज आपसे कनेक्ट होए, लेकिन फिर भी ये इंसान हेजिटेशन में, आप बोलिए चाहे एक डर से बोलिए कि आपकी एनर्जी बहुत चेंज हो गई है, अब आप इस इंसान को अपने लाइफ में चाहोगे या नहीं, यू नो, जो भी है रीज़न, ये अपने आप को जानबूझ के रोक रहे हैं ताकि या तो समय हील कर दे, आप दोनों खुद से हील हो जाएं, और कभी ये इंसान अगर आपको हाय हेलो करे तो आप जवाब दो उनका। सो जो भी है, मतलब इनको रिजेक्शन का भी डर है, इनको ये भी डर है कि जो कर्मा इन्होंने किया है उसका तो इनको मिलेगा ही मिलेगा, और आप भी क्या पता रेवेंज लेने के लिए बैठे हैं। सो ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान खुद को रोकते हुए दिख रहा है मुझे, ठीक है। थोड़े से और कार्ड्स देख लेते हैं, चलिए क्या है इस इंसान के मन में। डिवाइन प्लीज गाइड देयर डीप फीलिंग्स, डिवाइन प्लीज गाइड माय डियर एंजल्स, टॉक टू मी। One more time, please. Uh-oh. One more time, please. Postponement की एनर्जी जो है वो रिवर्स में है। ये इंसान आप पोस्टपोन करना नहीं चाहते हैं, ठीक है। पहले ये पोस्टपोन कर रहे थे, आज बात करेंगे, कल बात करेंगे, ऐसी एनर्जी इनकी थी। उल्टा तो नहीं पकड़ा मैंने, नहीं, पहले ऐसी एनर्जी रही होगी इनकी कि पोस्टपोन कर रहे थे बार बार, कल बात कर लेंगे, परसों बात कर लेंगे, यू नो। अब ये इंसान पोस्टपोन करना नहीं चाहते हैं, लेकिन ये चाहते हैं कि हील हो, जो भी आप दोनों के पेन्स हैं वो हील हो, ठीक है। पास्ट लाइफ, इनको लगता है कि कुछ ऐसा है जो आपके साथ, ये इंसान सिर्फ इस लाइफ में नहीं बल्कि कई सारे ऐसे लाइव्स हैं जो आप इनके साथ जिए हो, और एक पास्ट लाइफ कनेक्शन इनको फील होता है आपके साथ डेफिनेटली। सो बहुत स्ट्रांग बॉन्ड इनको ज़रूर फील होता है आपके साथ, इसलिए ये इंसान, इनको लग रहा है कि समय ले भी लेंगे अगर, तो आप कहीं मूव ऑन नहीं करोगे, आप वहीं रहोगे, क्योंकि आप दोनों डिस्टाइंड हैं, इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है।
हीलिंग एनर्जी है, इंटेंशन में इनकी हीलिंग है। मैंने बोला ना समय हील कर दे, ऐसी एक एनर्जी इनकी है कि वही जगह है, इंटेंशन पे हीलिंग है। मतलब इनको लग रहा है कि समय हील कर दे, थोड़ा सा और टाइम लेंगे शायद आप हील हो जाएंगे, ये हील हो जाएंगे, ये और चीज़ें सही हो जाएंगी, बेटर हो जाएंगी अगर अभी ये आपसे कनेक्ट करेंगे, जो कि ये चाहते हैं कनेक्ट करना। लेकिन कहीं अगर अभी कनेक्ट किया और फिर से आप दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स हो गए, फिर से लड़ाई झगड़े हो गए, आर्ग्यूमेंट्स हो गए, आप दोनों एक दूसरे को नहीं समझे, तो चीज़ें और ख़राब हो सकती हैं, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, प्लेफुलनेस की एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान, इनको ऐसा लग रहा है कि अब आप अपने लाइफ को एक्सप्लोर करना चाहते हो, अब आप एक ही जगह बंद के रहना नहीं चाहते हो, स्पेशली इस इंसान के साथ जहाँ आपको इन्होंने मतलब जो आप चाह रहे थे वो ये इंसान प्रोवाइड नहीं किए इस रिश्ते में। सो इसलिए अब आपको लग रहा है कि इनके साथ टाइम वेस्ट करना बेवकूफ़ी है, इससे अच्छा है कि अपने लाइफ को एक्सप्लोर करें आप। और कुछ लोगों के पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा आपके ऊपर नज़र है उनकी, जिससे कि वो समझ पा रहे हैं कि आप अपनी लाइफ को एक्सप्लोर कर रहे हो। सो आपके स्टेटस वैसे हो सकते हैं खुशी खुशी वाले स्टेटस, है ना, हैप्पी हैप्पी वाले, आपकी स्टोरीज वैसे हो सकते हैं। सो कुछ ना कुछ ऐसा ये देख रहे हैं जहाँ इनको ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्म हुए हैं और बहुत चेंज हुए हैं, जिसके चलते इनको आपके पास आने की हिम्मत नहीं हो रही है। ठीक है, साइलेंस की एनर्जी है, मैंने बोला ना अब ये चुप रह रहे के इनको घुटन हो रही है। देखिए वही जगह है, ऑब्स्टिकल लग रहा है इनको, चुप रहना, इनका शांत रहना, इनका एक्सप्रेस नहीं करना, इनको अब घुटन हो रही है अंदर कि ये चाहते हैं इंसान एक्सप्रेस करना, ये इमोशनली आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन ये कर नहीं पा रहे हैं क्योंकि आपकी एनर्जी बहुत चेंज है और ये इंसान आके अभी रिस्क लेना नहीं चाहते हैं। सो अंदर अंदर ये इंसान जो चुप रह रहे के इनको अब घुटन होने लगी, ये चुप रहना नहीं चाहते हैं, ऐसी एनर्जी है। ठीक है, ब्यूटीफुल। दो कार्ड्स आ गए यहाँ पे, एक टर्निंग इन की एनर्जी, एक क्रिएटिविटी की एनर्जी। ये इंसान है ना समझना चाहते हैं कहाँ पे गलत जा रहे थे ये इंसान और क्या ये करें ऐसा कि चीज़ें सही हो आप दोनों के बीच। सो क्रिएटिविटी की एनर्जी यहाँ पे है, जहाँ पे ये इंसान कुछ तरीका खोजेंगे, कुछ ना कुछ ऐसा क्या कहते हैं उसको, रीज़न आप कह लें या फिर बहाना ढूंढेंगे जिससे कि आपसे कनेक्ट कर सके। सो बहाने के साथ अगर ये इंसान आपके पास आ रहे हैं आपकी सिर्फ एनर्जी जानने के लिए कि आप क्या चाहते हो, अगर ये बहाने से आ रहे हैं और आपने इनको रिजेक्ट कर दिया, फिर आपने इग्नोर कर दिया, तो फिर ये इंसान सोचेंगे कि कैसे एक्शन लेना है कि नहीं लेना है। अगर आपने उस टाइम रिजेक्ट किया तो इनको शायद ये इंसान संभाल पाए अपने आप को। सो बेसिकली इनको रिजेक्शन का डर है, इनको अपने जो ये कर्मा किए थे ना, इनको वो डर है कि अभी वो कर्मा इनको पे बैक करना पड़ेगा, ये डर है इनको। ठीक है, बियॉन्ड इल्यूजन, कुछ ना कुछ इल्यूजन से इंसान बाहर निकले हैं, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रही है, जहाँ पर ये इंसान कनेक्ट ज़रूर करना चाहते हैं आपसे इमोशनली, लेकिन ये खुद को रोक रहे हैं, ऐसी एनर्जी दिख रही है। सो हम कुछ मैसेजेस देखेंगे, इनके डीप फीलिंग्स क्या हैं, डिवाइन प्लीज गाइड। सो गाना जो है वो सुन लीजिएगा, आप लोग कनेक्ट कर रही है इस रीडिंग से, वो गाना मुझे लिरिक्स याद नहीं है, अंतरा याद है मुझे, इसका मुखड़ा मुझे याद नहीं आ रहा है। वी नो वी कैन वर्क थिंग्स आउट टुगेदर, तो इनको ऐसा लग रहा है कि दोनों मिलकर आप लोग चीज़ें फिर से सही कर सकते हैं, ऐसी एनर्जी। यू कैन गेस वट आई एम गोइंग टू से, तो आपको मे भी पता चल रहा होगा ये इंसान की एनर्जी, ये क्या चाहते हैं और ये क्या बोलेंगे, यू नो इनकी एनर्जी आप समझ पा रहे होंगे, इनको ऐसा लग रहा है। ठीक है, सो गाना मुझे अंतरा याद है, मुखड़ा याद नहीं आ रहा मुझे, आप लोग सुनिएगा यूट्यूब में। कुछ भी नहीं है ये जहाँ, तो है इसमें जिंदगी, अब मुझको जाना है कहाँ के, तो ही सफर है आखिरी, कि तेरे बिना जीना मुमकिन नहीं, न देना कभी मुझको तू फासले, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। ओके, ये सुन लीजिएगा आप लोग, मुझे इसका मुखड़ा याद नहीं आ रहा है। वी कैन स्पेंड आवर्स डूइंग नथिंग देन टॉकिंग, सो ऐसा हो सकता है कि आप लोग दोनों फ़ोन पे ही यू नो घंटों पकड़ के रहें, बात ना करें भी तो फ़ोन पकड़ के ही सो जाएं, फ़ोन पकड़ पकड़ के ही अपने काम करते रहें, बात ना करें। सो चुपचाप साइलेंस में भी आप दोनों कनेक्टेड फील करते थे या फिर अभी भी फील करते हो, इनको ऐसा लगता है। यू अंडरस्टैंड मी, आप इनको बहुत अच्छे से समझते हो, इनको ऐसा लगता है, इनको और कोई नहीं समझ सकता जैसे आप इनको समझते हो। यू नो हाउ टू पुट मी फर्स्ट, इन्होंने मतलब आपने इनको हमेशा प्रायोरिटी में रखा है। यू नो कहीं भी ऐसा कुछ इनके साथ कोई गलत बोल दे कुछ, तो आप स्टैंड ले लेते होंगे या फिर यू नो कुछ भी, हमेशा आपने इनको प्रायोरिटी में रखा है, जो कि इनको पता है। अब जब आप अपने आप को प्रायोरिटी पे रख रहे हो ना, तो ये इंसान को बर्दाश्त नहीं हो रही है वो चीज़ें। ठीक है,
यू ऑलवेज नो वट आई एम थिंकिंग, कि एनर्जी यहाँ पे है, इनको लगता है कि जो ये सोच रहे हैं वो आपको पता है ये क्या सोच रहे हैं, क्या बोलेंगे, ठीक है. यू लव मी लाइक नो अदर, आपने जैसे इनको प्यार किया है वैसे इनको कोई और प्यार नहीं कर सकता है, इनको ऐसा लगता है. टचिंग यू इज द मोस्ट वंडरफुल फीलिंग एवर, ठीक है. तो कुछ इंटीमेसी की एनर्जी यहाँ पे है, ठीक है. सॉरी, मैंने कार्ड्स निकाल लिए थे और कैमरा बंद हो गया था. मुझे नहीं पता कि मैंने कितने कार्ड्स निकाले. सो टचिंग यू इज द वंडरफुल मोस्ट वंडरफुल फीलिंग्स एवर, कुछ इंटीमेसी की एनर्जी यहाँ पे है. यू अप्रिशिएट मी, आपने इनको हमेशा अप्रिशिएट किया होगा इनके हर चीज़ में, इनकी ब्यूटी को लेके, बिहेवियर को लेके, है ना, भले वो चीज़ अप टू द मार्क है या नहीं, लेकिन हमेशा आपने अप्रिशिएट जरूर किया होगा इनको. यू एक्सेप्ट एंड रिस्पेक्ट माई लिमिटेशन की एनर्जी है, आपने हमेशा इनके लिमिटेशंस को समझा है, आपने हमेशा इनको समझा है, रिस्पेक्ट किया है, ऐसी एनर्जी दिख रही है. आई कैन बी एज सिली एज आई लाइक विदाउट वरिंग दैट यू वुड लव मी लेस, मतलब आपके साथ ये इंसान कंफर्ट होने में या फिर सिली होने में या फिर कुछ भी रियल सेल्फ में होने में कभी इनको डर नहीं लगा है कि आपका प्यार कम हो जाएगा इनके लिए. यू नो, रियल सेल्फ में ये इंसान आपके सामने आने में कभी भी इनको संकोच नहीं हुआ है, ये आपसे ये कहना चाहते हैं, ठीक है. सो ये थी आज की रीडिंग माय डियर व्यूअर्स. आई होप कुछ गाइडेंस आपको मिली है तो लाइक और शेयर करें. चैनल पर पहली बार आएँ तो रेड बटन को जरूर से क्लिक करें, बेल नोटिफिकेशन को जरूर से ऑन करें, बने हमारे प्यारे से सोल फैमिली का हिस्सा. मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए मस्त रहें, व्यस्त रहें, खुश रहें, अपना बहुत सारा ध्यान रखें, अपनों का ध्यान रखें. गॉड ब्लेस यू ऑल.